दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 2018 फिजिकल से रिलेटेड बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिकल कब होगा, रिटेन एग्जाम अभी हुआ ही नहीं, फिजिकल रिलेटेड क्वेश्चन आने लगा कि सर कब होगा, कैसे निकाला जाएगा। तो ये एक चिंता का ही विषय है, असल में ये सीरियस विषय है आप माने तो, क्योंकि फिजिकल भी उतना आसान नहीं होता जितना आप लोग सोच कर बैठे हुए हैं। ठीक, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो फिजिकल देकर एक बार नहीं हुआ है उनका मेरिट लिस्ट में, मैं उनका बात नहीं करता। जो अभी तक नहीं फिजिकल दिए हुए हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। आप रनिंग के लिए जाइएगा, वहाँ पर फाइनली अगर शुरू से आपका प्रैक्टिस नहीं है दौड़ने का और तैयारी नहीं किए हैं, तो फाइनली आपका 99% चांस है कि आप छड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मात्र 50 लड़के जो दौड़ते हैं, 50 लड़के दौड़ते हैं, उसमें से मात्र 5 से 6 लड़के ही दौड़ निकाल पाते हैं और मैक्सिमम 7 लड़के, और उसमें 1-2 लड़के हाई जंप में भी छड़ जाते हैं। तो ऐसे कर ऐसे ही बहुत कम रिजल्ट होता है। वहीं रिजल्ट क्या होता है, वहीं लड़कियों में रिजल्ट ज़्यादा हो जाता है। आखिर क्यों लड़कियों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लड़कियों का दौड़ कम है और लड़कियों का हाई जंप भी कम है, 3 फुट है 1 फुट ज़्यादा, और उसी में जो गांव की लड़की, जो मजबूत लड़की रहती हैं, वो आराम से फिजिकल निकाल लेती हैं। ठीक, तो वहाँ पर लड़कियाँ वैसे भी लड़कियों को बढ़ जाता है, और आपको पता है कि फाइनली आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो फिजिकल पर ही बनने वाला है। जो रिटर्न का जाता है उसका भी कट ऑफ मार्क्स ज्यादा जाता है, लेकिन आपका फाइनली बनेगा जो, वो रिटर्न पर फिजिकल पर ही बनेगा, रिटर्न पर नहीं बनेगा। तो क्या क्या प्रोसेस है, आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो इसका होता है शारीरिक योग्यता परीक्षण में क्या क्या होता है। तो पहले पुरुषों के लिए हम देखते हैं, तो देखिये यहाँ पर सभी कोटि के पुरुषों के लिए, सभी कोटि के लिए, दौड़ में कोई आरक्षण नहीं है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर देख लीजिए। 1 मील अधिकतम, मतलब 1 मील को कितना, 1.6 किलोमीटर को 1 मील कहा जाता है, 1600 मीटर जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तो उसे 1 मील कहा जाता है। अगर उसको आप 5 मिनट में दौड़ रहे हैं तो आपको 50 अंक, मैक्सिमम अंक इसका 50 है और आपको 50 अंक। अगर आप 5 मिनट में, तो बहुत कम ही लोग मारते हैं, लेकिन जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से कर रहे हैं, वो आराम से कर लेते हैं। 5 से अधिक और 5 के 20 के बीच जो होते हैं उनका मेरिट लिस्ट, ये जो दोनों होता है उनका मेरिट लिस्ट कोई नहीं छाट सकता। इधर से ऊपर के जो मारता है ना, उसका मेरिट लिस्ट में कभी भी नाम आता है। ठीक, फिर आता है कि 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक अधिकतम जो बच्चे होते हैं, जो निकलते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वो ये दोनों के बीच आते हैं, 5 मिनट 20 सेकंड से ऊपर और 6 मिनट के बीच में आते हैं। जिसके कारण अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट के बीच में होते हैं, तो यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट में छटने का अनुमान ज़्यादा रहता है कि आप छट सकते हैं। और अगर 6 मिनट से ज़्यादा आप करते हैं तो आपको ऐसे रहता है ग्राउंड ऐसे रहता है, ऐसे जैसे दौड़ कर यहाँ पर आप जाइएगा, फिर यहाँ पर लोग बैठाता है। ठीक, इधर से एक दरवाज़ा आता है, ऐसे दौड़ना होता है। ठीक ना, ऐसे इधर से आते हैं, इधर जॉकेट पहड़ कर ऐसे दौड़ना होता है। ठीक, ऐसे दौड़ कर 5 रन दौड़ कर ऐसे निकल कर फिर यहाँ बैठाता है और वहीं पर रिजल्ट देता है। पहले उसका रिजल्ट सुनाता है जिसका नहीं हुआ है, और वहीं ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकल जाते हैं जो जिसका नहीं है, और जिसका हुआ है वहीं से ऐसे हाई जंप की तरफ चले जाते हैं। ठीक, सभी कोटि के पुरुषों के लिए हम लोग देख लिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए देख लेते हैं क्या है, तो इनका भी देख लीजिए। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर कितना है, 1 किलोमीटर। अगर ये आसानी से अभी से ही प्रैक्टिस करने लगे, या अगर रिटेन एग्जाम भी निकल जाता है उसके बाद से प्रैक्टिस करने शुरू कर दे, तो इनका तो दौड़ आसानी से निकल जाता है। इसी कारण से इसमें मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा लड़कियों स्थान लाती है, इसका मेन कारण यही है। क्या है कि ये नहीं है कि लड़कियाँ लड़कों से कम दौड़ती है, नहीं, यहाँ स्टेमिना की बात होती है, उनको अच्छा खासा समय मिल जाता है, अच्छा खासा समय मिल जाता है और आराम से वो कर लेती हैं। तो अधिकतम जो लड़कियां आती हैं वो 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड और 40 सेकंड के बीच ही आती है, जो कि मेरिट लिस्ट में बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर इन लोगों का मेरिट लिस्ट बन जाता है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि ये सब मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं, कि अगर 5 मिनट में दौड़ते हैं तो उन्हें 50 अंक मिल जाता है, 5 मिनट से अधिक 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ती हैं तो 40 अंक मिल जाता है, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5:40 में दौड़ती हैं तो उन्हें 30 अंक मिल जाता है। तो ऐसे करके जब लड़कियां दौड़ती हैं तो उन्हें अंक मिलता है और वही मेरिट लिस्ट में काम आता है। फिर आगे देखते हैं, और 6 मिनट से ज़्यादा ले रही हैं तो वो भी असफल हो जाती है। उनका मात्र यही है कि उनको 1 किलोमीटर दौड़ना है, आपको 1.6 मतलब 600 मीटर जो है ज़्यादा दौड़ना है आपको। गोला फेंक में, गोला फेंक तो सब लोग निकाल लेता है, ये इसका तैयारी तो आप 7 दिन पहले भी शुरू करिएगा ना, तो आराम से कर लीजिएगा। वो गोला फेंक का तैयारी आप 7 दिन पहले भी करें तो कर लेंगे। ठीक, इसके लिए कोई नहीं चाहिए, इसका जो न्यूनतम है वो 16 फीट है, 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट है इसका न्यूनतम, जिसको 9 अंक मिलते हैं, और जो अधिकतम होता है 20 फीट से ज़्यादा होता है, जिसका 25 अंक मिलते हैं। अधिकतर जो लोग होते हैं वो यहीं 17 से 18 फीट के बीच यहाँ पर पुरुषों में फेंक पाते हैं, अधिकतर लोग। ठीक,
अगर अगर आप इस 19 से 20 में आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा, मेरिट लिस्ट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आप क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम दे के अभी नहीं, अभी से गोला फेंक के लिए नहीं तैयारी कीजिएगा। अभी बीम बीम उम जितना बीम आप खींचते हैं ना उतना अधिक आपका मसल्स मजबूत होता है, और मसल्स मजबूत होगा तो गोला फेंक में वही काम आता है। ठीक, अभी देखिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए भी वही है, 12 पाउंड का गोला होगा इसमें, और आपको वही प्रोसेस है। 14 फीट से अगर ज़्यादा फेंक रही हैं ये तो इनको 25 अंक मिल जाता है 14 फीट फेंकने पर। तो क्या करती हैं कि इनका मसल्स भी मजबूत होता है, लड़कियों का मसल्स मजबूत होता है। आप लोगों को लगता है कि लड़कियां नाजुक होती हैं और ये, तो आप लोग बहुत पहले का सोच रखे हुए हैं, या जो लोग ये सोचते हैं, लड़कियां मजबूत होती है, मानसिक भी मजबूत होती है, वैज्ञानिक सिद्ध हो चुका है, और शारीरिक भी मजबूत होती है। ऐसे ही नहीं सब घर का काम करती है, सब माँ बाप का हाथ बटाती है, तो ये मजबूत होती है। और अगर उनको चांस भी मिलता है तो बाहर भी कर दिखा देती है, जैसे अभी पिछले साल ही सबसे ज़्यादा लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। तो 14 फीट से ज़्यादा 25 अंक लाने के लिए, और 10 फीट से 11 फीट में 9 अंक लाने के लिए, तो लड़कियों अधिकतर क्या करती है, तो लड़कियां यहाँ तक फेंकती है, अधिकतर लड़कियां जो है यहाँ तक तो गोला फेंक देती है और इतना अंक अपना ला देती है। ठीक, क्या है कि इस बार भी जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा लड़की ही निकाली है, और देखिएगा इस बार दरोगा के एग्ज़ाम में BSI का जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा लड़की का ही होगा। ये मैं नहीं ये कर रहा हूँ, जैसे कि ये मेरा नहीं है कि मैं चाह रहा हूँ लड़कियों का या मेरा अपना ये कोई है, ये आयोग कहेगा और बोलेगा भी। क्यों है, क्योंकि लड़की जो फिजिकल हुआ है, लड़की सबसे ज़्यादा फिजिकल में क्वालिफाई की है, लड़का से ज़्यादा। ठीक, 10 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी गोला फेंक में वो लड़की है तो छट जाएगी। ऊँची कूद अधिकतम 25 अंक है ऊँची कूद के लिए, ये पुरुषों के लिए है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए क्या है, न्यूनतम 4 फीट चाहिए। तो 4 फीट से ज़्यादा, 4 फीट 4 इंच से कम होता है तो 13 अंक मिलता है। और यहाँ पर आप लास्ट देख लीजिए, 4 फीट ऊंचाई न कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। जो दौड़ निकाल कर आ जाते हैं, लगभग उस मान लीजिए कि 100 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक, सपोज मान लीजिए 100 लोग, इसमें से लगभग 10 से 12 लोग दौड़ निकालते हैं, ठीक, 12 में से 2 लोग क्या करते हैं कि हाई जंप में छट जाते हैं, ये एकदम डिट्टो है, 2-3 लोग छट ही जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हाई जंप भी आपको मजबूत करना पड़ता है, शुरू से ही मजबूत करना पड़ता है। तो 5 फीट से ज़्यादा अगर लाता है तो उसे 25 अंक मिलता है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपको नहीं आ पाता है किसी से, बट सबसे ज़्यादा लड़के का ये होता है कि ये दोनों के बीच में लड़का सब रहता है, ये दोनों के बीच में मैक्सिमम जो मेरिट बनता है ये दोनों के बीच में बनता है। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि यही दोनों के बीच में, जैसे कि ये अगर इतना आप ला दे रहे हैं तो आपका मेरिट बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक, तो दौड़ जितना भी आप दौड़िएगा ना, जितना अब पहले देख ले, मैं एक बात और बता दे रहा हूँ आपको कि आप पहले ही स्पीड में दौड़ने मत स्टार्ट कीजिएगा कहीं भी। अभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे दौड़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टेमिना बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कोई बड़ा दौड़ नहीं है। अभी से कोशिश कीजिएगा तो धीरे 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 10-10 मिनट कभी दौड़िए एक दिन में, कभी 20 मिनट, कभी मतलब ऐसे बढ़ते रहिएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊँचाई है वो 3 फीट है, सब इसमें सबसे ज़्यादा लड़की छटती है। अगर पूछता है ना कि सबसे ज़्यादा लड़की किस में छटती है, तो इसी में, दरोगा में भी छटी है, बिहार पुलिस में भी छटती है, हर में इसी में छटती है, GD में भी, तो यहाँ पर इसी में RPF में भी छट जाती है लड़की। तो ये जो ऊंचाई वाला होता है ना, इसमें इन लोगों का नहीं ज़्यादा बन पाता है। ठीक, लेकिन अगर 3 फीट भी जो लड़की मार देती है ना, 3 फीट भी, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही काबिले तारीफ है, उनको 13 अंक मिलकर बाकी दोनों में ज़्यादा अंक बटोर लेती है। तो ऐसे कर आप देख सकते हैं, 4 फीट से ज़्यादा 25 अंक मिल जाता है आपको। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 4 फीट से ज़्यादा तो कोई लड़की मारती ही नहीं है। ठीक, तो और 3 फीट 8 इंच से ज़्यादा 4 फीट से तक अगर कोई मारता है तो उसे 21 अंक मिल जाता है, ऊंचाई जो होता है हाई जंप। ठीक, लॉन्ग जंप नहीं है इसमें। अब देखिए जो मेघा सूची बनेगा, यहाँ पर साफ साफ आपको अंकों में दिया, साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस में सिपाही और बिहार अग्निशामक में अग्नि के पद पर नियुक्ति हेतु चयन मेघा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 100 अंक होंगे सारे मिलाकर तैयार किए जाएंगे। ठीक, शारीरिक योग्यता 2 या अधिक अभ्यर्थी के समान अंक अगर प्राप्त करते हैं तो उनको उनके बर्थडे पर जन्मदिन होता है उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। फाइनली यही दिया हुआ है इसमें, तो यही है आपका, आप देख लीजिएगा। ये नोटिस से मैंने निकाला है, नोटिफिकेशन से निकाला है, और मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया है कि जो मेन फाइनल बनता है कट ऑफ वो फिजिकल पर ही बनता है, कैसा फिजिकल होता है आपने देख लिया। मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने 200 व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, इस पर बिहार पुलिस के आपको डेली सेट दिए जाएंगे, डेली आपको जो भी 2 सब्जेक्ट होगा इसका सेट मिलेगा, डेली आपको नोट्स मिलेंगे और कंपलसरी का भी डेली सेट मिलेगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। वीकली टेस्ट होंगे आपको, आपको अगर कोई डाउट है तो उसे सॉल्व भी किया जाएगा संडे सैटरडे को,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मात्र 200 फी है और इसे आप पेटीएम के माध्यम से पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें या ज़्यादा व्हाट्सएप ही कर दें तो अधिक हो अच्छा होगा। और अपना दो सब्जेक्ट और अपने गाँव का नाम, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिख कर भेज दीजिएगा तो मैं पेटीएम नंबर उपलब्ध करा दूँगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के आगे क्या वीडियो होगा, आप क्या चाह रहे हैं, आगे सैलरी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कौन से वेतन आयोग वेतन माह पर सैलरी मिलेगा, क्या इसका ग्रेड पे होगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। जो आपका मन है वो ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।